हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सियाराम होम्स में। और एक लग्जरियस विला के साथ में बैक टू बैक फिर से हाजिर है। इसका एलिवेशन लुक देखिए, बहुत ही प्यारा सा एलिवेशन लुक आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। 22.5x60 की इसकी साइज़ रहने वाली है। ये 150 गज का आपका विला होने वाला है दोस्तों। JDA अप्रूव्ड आपका विला होने वाला है। इसकी फेसिंग की बात करें तो ये ईस्ट फेसिंग आपका विला रहने वाला है दोस्तों। और ये लोकेशन इसकी बात कर लेते हैं। लोकेशन इसकी रहने वाली है नियर बाई गांधी पथ रोड। गांधी पथ रोड से मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये विला आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक बार विजिट कर लीजिए विला। यहाँ से आपको मिल जाता है रैंप एरिया, आपको मिलने वाला है बहुत ही प्यारी सी टाइल वर्क के साथ में। आपको ये रैंप एरिया मिलने वाला है, बहुत बिग साइज का आपको रैंप आपको मिल जाता है। साथ में आपको 40 फीट रोड का एक्सेस आपको मिलने वाला है। इधर आपको मिल जाता है प्लांट्स लगा के दिए हुए हैं आपको। बहुत ही प्यारी सी वॉल डिजाइन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। साथ में आयरन वर्क यहाँ आपको वॉल पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है वीडियो कॉल का एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे आपको हेवी डोर आपको मिलने वाला है। बहुत ही हेवी डोर आपको रहने वाला है दोस्तों आयरन वर्क का। तो आ जाइए, यहाँ पे इजिली 1 SUV कार इजिली आप पार्क कर पाओगे। बहुत ही प्यारा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर आपको लॉन आपको लगा के दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। आ जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाती है शूरेक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे वाटर टैंक फैसिलिटी आपको यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। 5 से 6 हजार लीटर आपको वाटर स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये दोस्तों ये इसका ड्रॉइंग एरिया रहने वाला है, जो एल शेप में आपको सोफा अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। साथ में वॉल पे देखिए, बहुत ही प्यारी सी वॉल आर्ट आपको दी हुई है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। साथ में मिलने वाला है AC का आपको एक्सेस, आपको AC लगी हुई यहाँ पे मिलने वाली है। इसकी एक बार रूम की फॉल सीलिंग देखिए, बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग का व्यू आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ में इधर पार्टीशन वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा सा टफन ग्लास के साथ में आपको पार्टीशन वर्क देखने को मिल रहा है। साथ में आपको यहाँ पर सेंटर टेबल आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत ही प्यारी सी। और इसका वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पे बना रहेगा, वेंटिलेशन के पर्पज से आपको विंडो यहाँ पे अवेलेबल है। बात करते हैं इसके मेन डोर की, तो दोस्तों इसका मेन डोर रहने वाला है फुल्ली ऑटोमेटिक आपको डोर मिलने वाला है, जिसमें आपका कार्ड फिंगरप्रिंट आपका लॉक यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा मेन डोर आपका रहने वाला है। इधर आपको मिल जाता है बिग साइज का TV यूनिट, बहुत ही प्यारा सा TV यूनिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में बिग साइज की LED आपको यहाँ पे लगी हुई है, जो आपको मिलने वाली है। आ जाइए, ये आपका लिविंग स्पेस ड्रॉइंग एरिया इधर भी आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा 12 सीटर आपको यहाँ पे भी सोफा अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। बहुत ही प्यारी सी वॉल आर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। एक बार फॉल सीलिंग इसकी भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही प्यारी सी सिटिंग एरिया यहाँ पे बना के दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 सेंटर टेबल का एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए एक बार इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट कर लीजिए, आ जाइए। ये इसका रहने वाला है फर्स्ट बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम रहने वाला है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा बेड आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है कुशन वर्क के साथ में। साथ में वॉल देखिए, बहुत ही प्यारी सी वॉल आपको यहाँ पे डिजाइनिंग लैंप के साथ में आपको मिलने वाली है। बहुत ही प्यारी सी आपको फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे PVC डोर के साथ में बालकनी में एक्सेस आपको मिल जाता है, जहाँ से आप इसको वॉश एरिया बना सकते हो, वॉशिंग एरिया। आ जाइए, इसका एक बार अटैच वॉशरूम देख लीजिए। यहाँ पे आपको सेंसर लाइट दी हुई है, आप जैसे अंदर एंट्री करोगे तो सेंसर लाइट आपको यहाँ पे जली हुई दिखेगी। साथ में यहाँ पे मिल जाता है आपको वार्डरोब्स का एक्सेस, आपको बहुत ही प्यारी सी वार्डरोब्स आपको बना के दी हुई है। साथ में बिग साइज का आपको मिरर मिलने वाला है दोस्तों। आ जाइए, इसका अटैच वॉशरूम देख लीजिए। ये इसका अटैच वॉशरूम रहने वाला है दोस्तों, काफी स्पेसियस वॉशरूम आपका यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा टाइल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ब्रांडेड फिटिंग के साथ में आपको मिलने वाला है, जगवार की फिटिंग आपको यहाँ रहने वाली है। ये इसका वॉश फेशन एरिया देखिए, बहुत ही प्यारा सा बिग साइज के मिरर के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप डेकोरेटिव आइटम्स आप रख पाओगे, इसके लिए आपको स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग आपको वॉशरूम में देखने को मिल जाती है। गीजर यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है, और छत से आपको मिलने वाला है फवारे का एक्सेस, आपको इस छत से मिलने वाला है। तो आ जाइए दोस्तों, इधर ये एक बार देख लीजिए। इसका TV यूनिट देखिए, बहुत ही प्यारा सा TV यूनिट आपका यहाँ पे मिलने वाला है।
साथ में स्टोरेज के लिए आपके ड्रॉर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यारे से कुशन वर्क के साथ में, बहुत ही अमेजिंग सा लगा ये। तो आइए इसका मॉड्यूलर किचन देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाली है डाइनिंग टेबल, यहाँ पे 6 सीटर आपको डाइनिंग टेबल का एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में इधर देखिए बहुत ही प्यारा सा पार्टीशन वर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही अमेजिंग सा पार्टीशन वर्क। यहाँ पे देखिए सैनलेयर का व्यू देखिए बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन में आपको मिल जाती है एसी साथ में। तो आ जाइए, ये इसका यू शेप के अंदर मॉड्यूलर किचन रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा मॉड्यूलर किचन है, प्रोफाइल लाइट के साथ में आपको मिलने वाला है। स्टोरेज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। साथ में काउंटर की बात करें तो वाइट काउंटर आपका यहाँ पे रहने वाला है, और बाहर से अगर आप एक्टिविटी देखना चाहते हो तो विंडो से आप देख पाओगे इजीली। और यहाँ पे बात करें फाइबर की, आपको चिमनी मिलने वाली है, फुल्ली ऑटोमेटिक चिमनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। 4 बर्नर के साथ में आपको फाइबर का चूल्हा मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको कैबिनेट्स बना के दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे से कैबिनेट्स आपको यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। साथ में सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको ड्रॉर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे से। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा किचन आपको बना के दिया हुआ है। यहाँ पे डबल डोर के साथ में आपको फ्रीजर आपको मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा सा फ्रीजर आपको यहाँ पे मिल जाता है डबल डोर का। आगे ये इसके फर्स्ट फ्लोर की आपको विजिट करवा देते हैं एक बार। तो दोस्तों सीढ़ियों की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर ग्रेनाइट की आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलने वाली है, साथ में वुडन रेलिंग आपको टफन ग्लास के साथ में आपको मिलने वाली है। इधर देखिए किचन का और ये सीढ़ियों के बीच में पार्टीशन वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा सा पार्टीशन वर्क आपको मिल जाता है। साथ में सीढ़ियों पे जो लैंप लाइट आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही प्यारी सी रहने वाली है दोस्तों। तो आ जाइए फर्स्ट फ्लोर की विजिट कर लीजिए एक बार। ये आपका होने वाला है ड्राइंग एरिया, यहाँ पे भी 12 सीटर आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है एल शेप के अंदर, बहुत ही प्यारा सा। साथ में वॉल पे देखिए वुडन वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा सा वुडन वर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इधर आपको एक्सेस मिल जाता है एसी का, बहुत ही प्यारी सी एसी आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है। साथ में बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। आ जाइए टेम्पल का एक्सेस देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे गणपति महाराज विराजमान है, बहुत ही प्यारा सा टेम्पल आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये इसका रहने वाला है सेकंड बेडरूम रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सेकंड बेडरूम आपका रहने वाला है, जिसमें डबल बेड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में वॉल देखिए वुडन के साथ में वॉल वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा सा वॉल वर्क आपको देखने को मिल जाता है। इस पे एसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है प्रॉपर। साथ में स्टोरेज के लिए आपको मिल जाती है स्लाइड डोर के साथ में, वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत ही प्यारी सी स्लाइड डोर के साथ में मिलने वाली है। इधर बिग साइज का आपको टीवी यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा टीवी यूनिट है दोस्तों। यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे कैबिनेट्स आपको दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे से। इधर आपको मिल जाता है बालकनी की ओर एक्सेस आपको यहाँ से मिलने वाला है पीवीसी डोर के साथ में, बहुत ही प्यारा सा स्पेस आपको बालकनी में मिलने वाला है। फॉल सीलिंग देख लीजिए एक बार, बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग है, जहाँ पे पिलर्स के साथ में आपको मिलने वाली है छत। आ जाइए इसके थर्ड बेडरूम में विजिट कर लीजिए एक बार। ये इसका रहने वाला है कॉमन वॉशरूम, एक बार देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉमन वॉशरूम आपका यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। ये इसका रहने वाला है किड्स बेडरूम देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा किड्स बेडरूम आपका रहने वाला है, बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है दोस्तों। स्टोरेज के लिए यहाँ पे वार्डरोब्स आपको दी हुई है स्लाइड डोर के साथ में, बहुत ही प्यारी सी, जिसमें आपको टफन डोर आपको मिलने वाला है, टफन ग्लास का डोर आपको मिलने वाला है। साथ में चिल्ड्रंस रूम में आपको मिलने वाली है एसी, एसी का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको पीवीसी डोर मिल रहा है साथ में सनलाइट के पर्पज से। इधर देख लीजिए एक बार, बहुत ही प्यारा सा टीवी यूनिट आपको बना के दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एसी आपको लगी हुई है, साथ में 2 लैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग देख लीजिए एक बार इसकी, बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आ जाइए इसके फोर्थ बेडरूम में, उससे पहले एक बार इसका अटैच वॉशरूम देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, टाइल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ये इसका रहने वाला है फोर्थ बेडरूम, ये रहने वाला है बहुत ही प्यारा सा फोर्थ
फोर्थ बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है। साथ में लैंप्स देखिए, बहुत ही प्यारे से लैंप आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वॉल पे पेंटिंग देखिए, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में रूम में आपको एसी मिलने वाली है साथ में। और इसकी खासियत रूम की देखिए, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवी यूनिट आपको यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है दोस्तों। साथ में बैक साइड में आपको पीवीसी डोर के साथ में एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक बार इसका अटैच वॉशरूम देख लीजिए, सेंसर लाइट के साथ में यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपका रहने वाला है। यहाँ पे मिल जाती है स्टोरेज के लिए, वार्डरोब्स आपको मिलने वाली है। साथ में बिग साइज का आपको मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये देख लीजिए एक बार इसका अटैच वॉशरूम, काफी स्पेसियस वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा टाइल कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है। ये वॉश एरिया है जहाँ पे प्रॉपर ग्रेनाइट का आपका वर्क काउंटर आपको देखने को मिल रहा है। साथ में वॉश बेसिन देखिए, बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है बिग साइज के मिरर के साथ में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इस विला की खासियत की। इस विला की खासियत रहने वाली है, इसमें होम थिएटर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए होम थिएटर देख लीजिए एक बार इसका। यहाँ पे आपको देखिए बहुत ही प्यारे से सैनलेयर आपको लैंप के साथ में मिलने वाले हैं बहुत दोस्तों, बहुत ही प्यारे लगे मुझे। तो आ जाइए इस विला की खासियत देखिए, इसमें मिलने वाला है आपको रूफटॉप गार्डन, साथ में मिनी बार और थिएटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देख लीजिए, ये इसका मिनी बार रहने वाला है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा मिनी बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा रहने वाला है। चलिए इसका एक बार थिएटर देख लीजिए, ये इसका रहने वाला है थिएटर। बहुत ही प्यारा सा थिएटर आपको बना के दिया हुआ है, जिसमें आपको 5 सीटर सोफा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इधर देख लीजिए, ये आपका थिएटर रहने वाला है। आ जाइए इसका अटैच वॉशरूम देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा अटैच वॉशरूम आपका मिलने वाला है यहाँ पे। इधर आपका मिनी किचन हो जाता है दोस्तों छोटा सा। आ जाइए इसका रूफटॉप गार्डन देख लीजिए एक बार, बहुत ही प्यारा सा। तो आ जाइए दोस्तों, ये रूफटॉप गार्डन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, बहुत ही प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा, बहुत ही प्यारा लगा ना दोस्तों। तो चलिए इस विला की खासियत यही रहने वाली है दोस्तों। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी प्राइस रहने वाली है दोस्तों 2.5 करोड़ रुपए इसकी प्राइस होने वाली है। तो देर ना कीजिए, आ जाइए विला विजिट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खम्मा गणी।